एक मिनट मैं सिर्फ वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर दूँ ना स्टार्ट उसके बाद। हेलो रमजन जी आप स्टार्ट कर सकते जी, अच्छा आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। हो। ठीक है, मैं लास्ट में प्ले करूंगा तब आ जाएगी। अच्छा ठीक है, नहीं ये बजने की आवाज। मोक्ष मार्गस्य कर्तारं हितारं कर्म भूतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के प्रस्तुत कर्ता, अष्टविध कर्मों के क्षय कर्ता और विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता, ऐसे प्रभु को नमन करता हूँ उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए। ये नमन भावपूर्वक नमन है। आज 10 लक्षण पर्व का तृतीय दिवस 2 सितंबर 2022 को प्रस्तुत हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे भावों की विशुद्धि की, प्योरिटी ऑफ या प्योरिफिकेशन ऑफ भाव। आज भावों की पवित्रता कैसे हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 5 ग्रंथ प्रमुख हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाई संग्रह और अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ हैं, 8 छोटे छोटे ग्रंथ हैं। उनमें भाव पाहुड़ सबसे बड़ा है और भाव पाहुड़ में भाव को बहुत महत्व दिया गया है। भाव विशुद्धि की बहुत चर्चा की गई है। वहां ये कहा गया है कि एक साधु द्रव्यलिंगी तो होता है, भावलिंगी नहीं होता, इसलिए वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। द्रव्यलिंगी हो जाना पर्याप्त नहीं है। द्रव्यलिंगी होने का अर्थ है कि वो नग्न हो गया, वेश छोड़ दिया है, संसार त्याग दिया है, लेकिन भावों में उस प्रकार की नग्नता या अपरिग्रहता नहीं आई है तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। बाह्य रूप से अपरिग्रही होने के साथ भावों से भी अपरिग्रही होना आवश्यक है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कथन है। वे कहते हैं भाव पाहुड़ में कि पढ़म लिंगम, भावो ही पढ़म लिंगम, भाव प्रथम लिंग है,
पहली पहचान साधु की भाव है, द्रव्य लिंग तो गौण है, पहली का मतलब प्रधान भाव हुई पढ़म लिंगम, प्रथम लिंग जो है प्रथम पहचान साधु की भाव है, भीतर से ये होना चाहिए। हम भले उसको नहीं पहचानते हों भावों को, लेकिन उसमें पहले भावों का लिंग होना चाहिए। न दब्ब लिंगम च जान परमर्थम, द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानो, नग्न हो जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीतर से शुद्धि होना अनिवार्य है। भावो कारण भूतो गुण दोषाणम जिणा विनती, जिनेश्वर ऐसा कहते हैं कि भाव ही कारणभूत है इसका, गुण और दोषों का। गुण दोषाणम कारणभूतो भाव, भाव कारणभूत है, हमारा जो भाव है वही हमारे में गुण लाने का और दोष लाने का कारण बनता है। गुणों को प्रकट करने में भी भाव कारण बनता है और दोषों के उपार्जन में भी वह कारण बनता है। तो भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, भाव को परिणाम भी कहा गया है। और परिणाम के अलावा भाव शब्द का उपयोग जैन परंपरा में अनेक अर्थों में हुआ है। भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है और पदार्थ के शब्द पदार्थ के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। भवति इति भाव, जो होता है वो भाव है, होता तो सब जो भी होता है संसार में वो सब भाव है। तो संसार में जो होता है वो पदार्थ है, द्रव्य है, तो वो भी भाव है। और उस अर्थ में भी शब्द का इसका प्रयोग हमको दर्शन पाहुड़ में मिल जाता है। दर्शन पाहुड़ में कहा गया है, जो आचार्य कुंद कुंद का ही ग्रंथ है, सम्मत्तादो नानम नानादो सब भाव उपलब्धि, कि सम्यक्त से ज्ञान होता है और ज्ञान से समस्त पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है, यानी समस्त पदार्थों को जान लिया जाता है। तो यह भाव शब्द पदार्थ के अर्थ में आया है, सब भाव उपलब्धि, सभी समस्त पदार्थों का ज्ञान हमको हो जाता है ज्ञान से, उपलब्ध पयत्थे। और जब समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है तो पुण श्रेया सेयम वियाणे दी, तो श्रेय और अश्रेय को जानता है कि कल्याणकारी क्या है और क्या नहीं है, इसका वो बोध कर लेता है। तो ज्ञान से जो सम्यक्त पूर्वक ज्ञान होता है, उस सम्यक्त पूर्वक ज्ञान से हम समस्त पदार्थों को जानते हैं। इस अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग हुआ है। और भाव शब्द का दूसरा प्रयोग और होता है जैन साहित्य में, वह होता है उपयोग के अर्थ में। उपयोग, जैसे दो प्रकार की साधना होती है संसार में, एक होती है द्रव्य साधना और दूसरी होती है भाव साधना। जैसे हम कह दिया द्रव्य लिंग और भावलिंग, तो एक द्रव्य साधना भाव साधना। द्रव्य साधना में तो हमने संसार को त्याग दिया, एक मुनिराज ने संसार को त्याग दिया है, वेश को त्याग दिया है, पत्नी को त्याग दिया है, बच्चों को त्याग दिया है, या पत्नी नहीं है तो माता पिता को त्याग दिया है, जो भी है परिवार में उन सबका त्याग करके वो साधु बन गए हैं। तो ये, और साधु वेश धारण कर लिया, श्वेतांबरों में तो वेश धारण कर लेते हैं, दिगंबर में नग्न हो जाते हैं। तो ये जो लिंग है, चाहे वो नग्नत्व का लिंग हो, चाहे वो श्वेत वस्त्रों का लिंग हो यानी दिगंबरत्व का लिंग हो, या आशांबरत्व का या फिर श्वेतांबरत्व का लिंग हो, इन दोनों में से कोई भी लिंग हो, कोई भी पहचान हो, लेकिन वह पहचान द्रव्य लिंग ही है, द्रव्य साधना का ही वह द्योतक है। द्रव्य साधना और भी आगे जाती है, और एक भावलिंग जो भावों को शुद्ध बनाता है, ये तो एक पहचान मात्र है। लेकिन द्रव्य साधना में व्यक्ति साधना भी करता है, जैसे देवों की पूजा करता है, गुरुओं के पास बैठता है, या स्वाध्याय करता है, तप करता है, संयम की साधना करता है, या दान करता है, जो जो भी कार्य एक श्रावक करता है, एक गृहस्थ करता है, वह द्रव्य साधना तब तक द्रव्य साधना है जब तक कि स्वयं का उपयोग न लगे, स्वयं के भाव उसमें न लगे। तो जो द्रव्य शून्य क्रिया, भाव शून्य क्रिया होती है वो द्रव्य क्रिया है, और भावयुक्त जो क्रिया होती है वो भाव क्रिया है, भाव साधना है। तो भाव साधना से जो फल मिलता है वो द्रव्य साधना से नहीं मिलता। इसलिए हर साधक के लिए, जो भी साधु बना है या संसार में रहकर जो श्रावक बने में साधना कर रहा है, उसके लिए द्रव्य साधना के साथ साथ भाव साधना आवश्यक है। और भाव शुद्धि नहीं हुई तो द्रव्य की पालना मुक्ति में ले जाने वाली नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि अनंत जन्म मरण कर लिए हमने, भाव शुद्धि नहीं हुई तो मोक्ष नहीं होगा। कभी हम देव गति में गए हैं, कभी नरक में गए हैं, कभी तिरंच में गए हैं,
और कभी मनुष्य योनि में भी आए हैं तो इसमें भी कई बार जन्म मरण कर लिया है, लेकिन भावों की शुद्धि जब तक नहीं होगी तो हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस पर बहुत चर्चा आचार्य कुंद भाव पाहुड़ में करते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अष्ट पाहुड़ का एक हिस्सा है, आठ पाहुड़ों में एक भाव पाहुड़ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमको प्रेरित करता है कि एक साधक को अपने भावों को शुद्ध बनाना चाहिए। वहां ये कहा है स्पष्ट रूप से, भाव रही हो न सिज्जई जैवी तवम चरई कोढ़ी कोढ़ी हो। भाव रही हो, यदि कोई भाव रहित है और भाव रहित होकर के वह कोटि कोटि जन्मों तक तप का आचरण करता है, एक जन्म में नहीं करोड़ों जन्मों तक भी कोई तप का आचरण करे तो भी बहुत सौ आचरण कैसा करे तप का, बहुत सौ लंबी हथो अपने हाथों को सीधा लंबा लटका करके ध्यानस्थ खड़ा हो जाए, कायस्थ की मुद्रा में खड़ा हो जाए तो भी, गली अवत्थो वस्त्रों का त्याग कर दे अथवा जिसके वस्त्र जीर्ण हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर दीर्घ तपस्या भी करता है, कायोत्सर्ग में खड़ा रहता है तो भी वह मुक्ति को प्राप्त तब तक नहीं होता जब तक कि उसकी साधना भाव साधना नहीं बनती, भाव लिंग उसमें नहीं आता, तब तक सिद्ध नहीं होता। तो भाव रहित की सिद्धि नहीं होती है, ये उद्घोषणा करते हैं आचार्य कुंद अपने शब्दों में बलवान रूप में। तो भाव की महिमा है, और भाव का एक और रूप हमारे यहाँ पाया जाता है, पांच भाव बताए गए हैं, पांच भाव हैं जिनकी चर्चा कई ग्रंथों में है और उत्तरा उसमें तत्वार्थ सूत्र में भी इसकी चर्चा है दूसरे अध्याय में, जिसमें पांच प्रकार के भाव निरूपित हैं, औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव हैं। तो इन पांच भावों में शुद्धता आने का मतलब एक क्षायिक भाव हो जाना, पांच भाव हमारी जो आत्म परिणति है। तो तीसरा अर्थ हम ये करेंगे, तीसरा चौथा अर्थ ये कर सकते हैं भाव का, कि एक तो हुआ हमारे भाव का अर्थ पदार्थ हो गया, एक हो गया उपयोग, और एक हो जाएगा ये आत्म परिणति। आत्मा की जो परिणति है वो भाव है, ये पांचों भाव आत्मा की परिणति है, आत्मा के परिणाम है। तो आत्मा के जो परिणाम है परिणति, उनको भी भाव कहते हैं। और यूं व्यवहार में हम जो व्यापारी वर्ग है वो भाव जानता है भाव शब्द का, भाई ये क्या भाव चल रहा है, अभी सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, लोहे का क्या भाव है, अनाज का क्या भाव है, ये भाव मूल्य के अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग होता है। और जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं वो जानते हैं कि भाव शब्द का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के लिए होता है, भाववाचक संज्ञा के लिए भी, जैसे गुरुत्व लघुत्व आदि भाववाचक संज्ञा हो गई, तो इनके लिए भी प्रयोग होता है। और जो बाह्य मूर्त पदार्थ हमको दिखाई देते हैं उनके अलावा जो उसमें गुण रहते हैं उनको भी भाव कहते हैं। तो भाव शब्द का कई अर्थों में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ हम जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं वो आत्म परिणति की चर्चा कर रहे हैं। आत्म परिणति को कैसे शुद्ध किया जाए, और साथ साथ उसमें उपयोग भी उपयोगी है, जब हम कोई क्रिया करें उसमें उपयोग लगाएंगे तो वो भी भावात्मक हो जाएगी। और एक भाव विशुद्धि में हमारी जो आत्म परिणति है उसको कैसे हम शुद्ध करें, कैसे पावन करें, वो विशेष रूप से चर्चा का विषय है। हम कैसे अपने भावों को अशुद्ध से शुद्ध बना सकते हैं, मलिन से कैसे निर्मल बना सकते हैं, ये चर्चा आज प्रमुख विषय इसका ये रहेगा आज। तो हमारे जो भाव हैं या तो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, प्राय हम इसी का अनुभव करते हैं। पर जब शुद्ध भाव हो जाए, भावों की शुद्धता हो जाए, तो वह शुद्धता स्वीकार्य है, वहां तक हमको पहुंचना होगा। भावों की शुद्धता हो जाना, और शुद्धता हो जाना पूर्ण रूप से तो जब वीतराग हो जाता है, और वह भी वीतराग भी जब 12वें गुणस्थान का होता है तब पूर्ण शुद्धता हम कह सकते हैं। उपशम अवस्था में भी 11वें गुणस्थान में भी शुद्धि तो होती है, लेकिन सत्ता में अशुद्धि मौजूद रहती है। तो सत्ता में जब अशुद्धि रहती है तो वो फिर से अशुद्ध बन जाता है भावों में। जब सत्ता में से चला जाएगी अशुद्धि, सत्ता में अशुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर वो उसके पूर्ण रूप से भाव शुद्धि हो जाएगी। तो 11वें गुणस्थान में भी सत्ता में अशुद्धि रहने से वहां फिर से अशुद्धि हो जाती है भावों में, तो वहां तक भी पूरे रूप से भाव की शुद्धि नहीं होती। लेकिन वो शुद्धि तक पहुंचने के लिए हमको अशुभ भावों से शुभ भावों में जाना होगा, ये मार्ग है। अशुभ से शुभ से, अशुभ से शुभ में, और शुभ से शुद्ध भावों में जाना होगा।
अशुभ भाव मलिन भाव है, अप्रशस्त भाव है, अप्रशस्त भावों को हमको प्रशस्त भावों में लाना होगा। जैसे अप्रशस्त भाव क्या है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, और अगर विस्तार करें तो ईर्ष्या चिंता विषाद भय हास्य रति अरति काम वासना, ये सब क्या है, अप्रशस्त भाव है, अशुभ भाव है, ये सब अशुभ भाव हैं। अब इन अशुभ भावों इन अशुभ भावों के कारण हम दुखी होते हैं, इच्छाओं के कारण। यदि एक इच्छा मन में पैदा होती नहीं, इसके पीछे कारण रहता है, हमारे लोभ आदि का कारण होता है, मान आदि कारण होता है, ये कषाय ही कारण बनता है। ये कषाय भी भाव है, आत्म परिणति है कषाय भी, और ये आत्म परिणति अशुभ है, विभाव रूप है। इस अशुभ परिणति से परिणति से हमें पिंड छुड़ाना है और शुभ परिणति में जाना है, फिर शुद्ध तक पहुंचना है। तो ये जो परिणति है अशुभ भावों की, ये प्राय होती है औदयिक भाव में। औदयिक भाव में कषाय भी है और कषाय के साथ साथ गति भी है, तीन वेद भी हैं, तो ये औदयिक भाव में आते हैं। तो औदयिक भाव में लेश्याएं भी हैं, छह प्रकार की लेश्याएं औदयिक भाव में मानी गई हैं, लेकिन लेश्याओं की भी विशुद्धि उपयोगी बनती है। छह प्रकार की लेश्याएं बताई हैं, कृष्ण नील कापोत तेजस तेजस पद्म और शुक्ल, ये छह लेश्याएं हैं। तो कृष्ण नील कापोत तो अशुभ लेश्या मानी गई है, तेजो पद्म शुक्ल शुभ लेश्याएं मानी गई है। तो शुभ लेश्याएं अशुभ लेश्या की अपेक्षा ठीक है, अच्छी है, और वो हमको शुभ भावों के शुभ, जब हमारी शुभ परिणति होती है, आत्मा के शुभ शुभ परिणाम होते हैं, परिणति कहें परिणाम कहें एक ही बात है, या भाव कहें, इन तीनों शब्दों का यहाँ पर एक ही पर्यायवाची रूप है, तीनों में से कुछ भी प्रयोग करें तो उसका यही अर्थ समझना चाहिए। वहां ये भी कहा है परिणाम से ही बंध होता है, परिणाम से ही मोक्ष होता है, ये भी भाव कौड में आया है। तो परिणामाद बंधो परिणामाद मोक्ष इस रूप में प्रचलन हो गया है, तो परिणाम से हमारे जैसे परिणाम है, जैसे भाव है, उसके अनुसार ही हमारा बंध होता है और उसके अनुसार ही मोक्ष का अनुभव होता है। तो भावों का बड़ा महत्व है। द्रव्य क्रिया तो लोग खूब कर लेते हैं, दान भी करते हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी करवाते हैं, सामायिक करने वाले सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर पाठ बोलकर रह जाते हैं प्रतिक्रमण का। भाव किसका जुड़ता है, पाठ सुन लेते हैं, पाठ बोल लेते हैं, और वो भी पूरी तीव्र वेग से बोल लेते हैं, उस पर चिंतन मनन अनुपेक्षा कौन करता है। अनुपेक्षा करेंगे तो भाव बन जाएगा, अनुपेक्षा तभी हो पाएगी जब उसमें हमारा भाव जुड़ेगा, भाव नहीं जुड़ेगा तो अनुपेक्षा नहीं हो पाएगी, चिंतन नहीं हो पाएगा उस पर। तो उसके अर्थ पर विचार करके अपनी आत्म परिणति को सुधारने का जब तक प्रयास नहीं होगा, तब तक भाव विशुद्ध नहीं हो सकती, तब तक भाव साधना नहीं हो सकती। तो भाव साधना में उपयोग लगाना पड़ता, उपयोग का मतलब है हमारे ज्ञान का व्यापार उसमें लगेगा, दर्शन और ज्ञान उसमें लगेंगे, दर्शन ज्ञान उसमें लगे रहेंगे तो हमारी भाव विशुद्धि होगी। इसके लिए वैसे तो आत्यंतिक रूप से कह सकता है, आत्मा में ही जब आत्मा रमण करती है और बाहर के विषयों को छोड़ देती है तो वो आत्मा वो उसका भाव विशुद्ध हो सकता है, ये बात सही है। ये तन भिन्ना चेतन भिन्ना, सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं, ये तन भिन्न है, शरीर भिन्न है और चेतन भिन्न है। शरीर की भिन्नता और चेतना की भिन्नता का अनुभव कर लेते हैं तो हम अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं कि ये शरीर भिन्न है और चेतन तत्व आत्मा भिन्न है। ये तो बहुत उच्च कोटि की साधना है, पर हम राग को पहचान सकते हैं या द्वेष को पहचान सकते हैं तो उनको विकार तो समझे कि ये त्याज्य हैं। जब तक हम विकार को विकार नहीं समझेंगे तब तक उसका त्याग संभव नहीं है। दोष को दोष नहीं समझेंगे तो करेक्शन नहीं हो सकता, गलती को गलती समझेंगे तो करेक्शन की संभावना है, नहीं तो करेक्शन कैसे होगा। तो करेक्शन तब हो सकता है जब अपने दोष दोष रूप में नजर आए, अगर वो गुण रूप में नजर आते हैं दोष तो हम उनको सुधार नहीं सकते। इसलिए पहले दृष्टि को ठीक करना पड़ता है, सम्यक दर्शन पहले होगा, फिर ज्ञान सम्यक, उसके साथ ही ज्ञान सम्यक होगा, तब हम दोषों का ठीक से निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही दोष दोष रूप में दिखाई पड़ेंगे, मिथ्या दर्शन में तो वो हमको दोष भी नहीं दिखते।
वो हमको हमारे गुण रूप में दिखाई पड़ते रहते हैं। तो सम्यक दर्शन का होना, दृष्टिकोण का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। दृष्टिकोण निर्मल होने पर हम भाव विशुद्धि कर सकते हैं। एक कथा आती है, भाव पाहुड़ में भी उसकी चर्चा है, उस कथा का उल्लेख किया गया है, गाथा में उल्लेख किया गया है, एक शिवभूति मुनि का। शिवभूति मुनि तुसमास शब्द का जाप करते थे, उसकी घोषण तो तुसमासम घोषण तो ऐसी गाथा वहां पर आई है। तुस और मास शब्द का, तुष का मतलब होता है जो ऊपर का छिलका होता है, और मास का अर्थ होता है उड़द, उड़द और उड़द का छिलका। उड़द और उड़द का छिलका दोनों भिन्न है, तुषमाश भिन्न, ऐसा उनके गुरु ने सिखाया था। ज्यादा ज्ञान उनको नहीं आ पाया, ज्यादा नहीं सीख पाए, लेकिन तो भाई इतना सा तुम समझ लो, इसे तुष से उस उड़द भिन्न है, उड़द और तुष दोनों अलग अलग हैं, उनको अलग किया जा सकता है। ऐसे ही ये चेतन तत्व और ये शरीर दोनों भिन्न है, इनकी भिन्नता उसी प्रकार से है जैसे उड़द की और उड़द के छिलके। बात तो उनको याद रही, उसकी जाप करते रहते थे, उसको गुणते रहते थे, बार बार उसकी आवर्तन करते रहते थे, परावर्तन करते रहते थे, लेकिन उसको अभिप्राय पूरा समझ में नहीं आया। एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जब जा रहे थे, गोचरी के लिए गए होंगे या आहार करने के लिए, पड़गाह करने के लिए किसी घर में, पड़गाह के बाद गए आहार करने के लिए, तो वहां किसी महिला को या और कहीं देखा होगा, एक महिला को देखा जो उड़द की दाल के छिलके अलग कर रही थी बड़े आदि बनाने के लिए, उड़द की दाल के छिलके अलग कर रही थी। तो उससे पूछा, बहन क्या कर रही हो? तो कोई ये उड़द के दाल है, इनके छिलके में अलग कर रही हूँ, ये अलग हो जाएंगे, तुम ये उड़द की दाल एकदम उसके लिए उपयोगी बन जाएगी। उनको उसी से समझ में आ गया तुषमाश का क्या मतलब है, तुष और माश दोनों अलग अलग कैसे किए जा सकते, दोनों की भिन्नता क्या है। तो जब उन्होंने इसका अर्थ समझा तो अपने भावों में उसको घटित किया, अरे मैं तो मेरा जो देह है और इस चेतना है, इनसे भिन्नता का अनुभव करना है, भेद ज्ञान का अनुभव करना है। भेद ज्ञान का अनुभव करने में वो तल्लीन हो गए, उसी प्रकार से तन्मय हो गए और अनुप्रेक्षा करने लगे, चिंतन मनन करने लगे, और धीरे धीरे उनको केवल ज्ञान हो गया। ये कथा स्वयं कुंदकुंदाचार्य भाव पाहुड़ में इसकी इसका संकेत करते हैं, और फिर टीका में जो श्रुत सागर की टीका है उस पर, भाव पाहुड़ पर, उसमें उस कथा को दिया भी गया है। तो इस तरह से भावों को शुद्ध बनाने में, जब शुद्ध बन जाएंगे उसी में भाव लग जाएगा तो भाव शुद्धि हो जाएगी। और वो अगर इसका चिंतन नहीं करते तो कितना भी ज्ञान कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र पढ़ना भी तब तक बोझा ही होगा जब तक उसको हम चरितार्थ नहीं करें, अपने आचरण में नहीं लाएं, जब तक उनसे हमारे चित्त में निर्मलता का अनुभव नहीं करें, जब तक उनसे हमारे कषायों को विरेचन करने का हम कोशिश नहीं करें, तब तक वह भार रूपी हो जाता, जहा चंदन भारवाही, खरोज जहा चंदन भारवाही, जैसे कोई गधा है और गधे पर कोई चंदन का जो है बोरा ले जा रहा है, चंदन ढो रहा है गधा। अब चंदन तो बहुमूल्य लकड़ी है, बहुत कीमती है, वो साधारण लकड़ी नहीं है, लेकिन गधा तो गधा है, उसको तो वो भार ढोना है, चाहे चंदन की लकड़ी रखो चाहे साधारण लकड़ी रखो, कोई सी लकड़ी रखो, उसके लिए वो तो कोई अंतर नहीं है, उसका मूल्य तो वो जानता है जो चंदन की सुगंध लेना जानता है, चंदन की कैसे घिस करके उसे शीतलता उत्पन्न की जा सकती रोग आदि में, या भगवान के यहाँ भी जो है मंदिरों में भी चंदन घिस करके कैसे उपयोग किया जाता है, ये वो नहीं जानता है गधा। तो ऐसे ही वह ज्ञान तो है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए ज्ञान का, जब तक ये नहीं आता है तब तक उसका कोई भला होने वाला नहीं। आज के युग में जो गूगल है या इंटरनेट है, या जैसे ज्ञान का बहुत समुद्र हो गया है चिप में, और बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में खूब ज्ञान भरा हुआ है, पर क्या वो आचरण में कुछ ला सकता है? वो तो आचरण में नहीं ला सकता, वो तो ज्ञान उसमें है, आप उपयोग करो तो आप ही आचरण में लाओगे। मनुष्य वो आचरण में ला सकता है उसको समझ करके, उसके पास तो स्टोर हाउस है। अब वो स्टोर हाउस तो उसमें हो गया, ऐसी स्टोर हाउस अगर हमने मस्तिष्क में बना लिया है और कुछ शास्त्र रट लिए हैं, याद कर लिए हैं, पर उनका न अर्थ आता है न उनका कोई हम भाव शुद्धि में और आचरण में कोई उपयोग कर पाते हैं, तो भार रूपी है उस ज्ञान का क्या उपयोग।
पर ये जो इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ इसका भी उपयोग मनुष्य ही करता है, वो कोई कंप्यूटर अपनी भाव विशुद्धि नहीं करता उससे, और उससे कोई जो ज्ञान राशि वहां इकट्ठी हो गई है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में हजारों पुस्तकें मौजूद हैं, उन हजारों पुस्तकों को वो कुछ नहीं पढ़ता है, वो कुछ सीखता नहीं, लेकिन ढूंढकर बता देगा, वो आप जो खोजोगे वो ढूंढकर बता देगा, इतना तो उसको आता है, लेकिन उसको कोई आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं है ऐसा कि जो आचरण करेगा और उससे कुछ समझेगा। पर अब वो सुन करके भी टाइप कर लेता है, ऐसे ऐसे सिस्टम पैदा हो गए हैं, और ट्रांसलेशन कर देता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, और दूसरी दूसरी भाषाओं में, गुजराती में करो, कन्नड़ में करो, तमिल में करो, तेलुगु में करो, या और कोई फ्रेंच में करो, जर्मन में करो, अनुवाद भी करने लगा है। अशुद्ध अनुवाद करेगा, बाद में सुधारा जा सकता है, लेकिन काफी शुद्ध भी जो उसकी डिक्शनरी में मौजूद है शब्द उनके अनुसार तो अनुवाद हो जाता है। इतना ज्ञान तो वो कर लेता है, लेकिन वो आचरण नहीं कर सकता, भावों की शुद्धि की वो नहीं जानता है। तो भावों की शुद्धि का काम किसका है? मनुष्य का है। दूसरे प्राणी भी करते हैं, कर सकते हैं, तिरंच भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना तो मनुष्य ही जानता है। तो मनुष्य अपनी भाव की शुद्धि कर सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट अपने भाव की शुद्धि ही कर सकते हैं, स्टोर हाउस होने पर, ज्ञान का स्टोर हाउस होने पर। इसलिए कहते हैं यशो जी ने भी कहा है कि शास्त्रादि तो पुद्गल हैं, जो हमने शास्त्र बना रखी है, शास्त्र तो पौद्गलिक है, वास्तव में इसको पढ़ करके जब हम कुछ समझेंगे तब वो ज्ञान हमारे में पैदा होगा, श्रुत ज्ञान हमारे में पैदा होगा, लेकिन उससे पैदा हो सकता है, इसलिए हम शास्त्र की पूजा करते हैं, शास्त्र को पूजनीय समझते हैं, क्योंकि इस ये हमारा इसमें ज्ञान राशि, इसको पढ़ करके और हम अपना श्रुत ज्ञान पावन कर सकते हैं, निर्बल कर सकते हैं, और उसको उससे हमारा आचरण सुधार सकते हैं, इसलिए उसका महत्व है। तो पांच प्रकार के भाव की बात अभी की गई थी, पांच प्रकार के भाव हैं। एक है औपशमिक, औपशमिक भाव में निर्मलता तो हुई, किसकी औपशमिक भाव होता है, वैसे निर्मलता किसकी होती है? मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का उपशम होता है, और किसी कर्म का उपशम नहीं होता आठ कर्मों में से। तो औपशमिक भाव में क्या हुआ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उपशम होता है, वो शांत हो जाता है थोड़ा, और शांत हो जाने पर हमको निर्मलता का अनुभव होता है। और जो क्षायिक भाव होता है, तो क्षायिक भाव चार कर्मों का होता है, जो घाती कर्म उनका होता है क्षायिक भाव। घाती कर्म कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों का क्षायिक भाव होता है, इन चार कर्मों के क्षय से क्षायिक भाव होता है। तो केवल ज्ञान ये क्षायिक भाव है, केवल दर्शन क्षायिक भाव है, और ये पांच लब्धियां, दानादि पांच लब्धियां क्षायिक भाव है, और सम्यक्त्व आदि जो है ये क्षायिक भाव है, मोहनीय कर्म के क्षय से पैदा हुआ है। तो इस तरह से क्षायिक भाव है, ये भी देखो आत्म परिणति है, सम्यक्त्व मोहनीय और दर्शन मोहनीय के दब जाने से औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, वो भी आत्म परिणति है, केवल ज्ञान भी आत्म परिणति है, केवल दर्शन भी आत्म परिणति है, और ये दानादि पांच लब्धियां भी आत्म परिणति है, आत्मा के ही भाव है, आत्मा में ये होते हैं, इसलिए परिणति होते हैं, उसमें परिणमन करते हैं, इसलिए परिणमन परिणति है, आत्मा में होते हैं, इसलिए भवति इति भाव होता है, वो भाव है। तो ये दो प्रकार के हो गए। क्षायोपशमिक भाव में क्या होता है? तो क्षायोपशमिक भाव भी इन्हीं कर्मों का होता है, तो उसमें क्षायोपशमिक ज्ञान में तो चार ज्ञान आ जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रेय ज्ञान, ये क्षायोपशमिक भाव है। ये भी क्षायोपशमिक भाव भी जो है ये भी आत्म परिणति ही है, पर क्षायोपशमिक भाव तब उसमें विलीन हो जाता है, केवल ज्ञान होने पर इनकी अलग सत्ता नहीं रहती, पृथक सत्ता नहीं रहती, पर ये उपयोगी तो हैं, केवल ज्ञान को मिलाने में उपयोगी बनते हैं, श्रुति ज्ञान ज्यादा उपयोगी है, और श्रुति ज्ञान को तो केवल ज्ञान के समान माना जाता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और ये परोक्ष है, श्रुति ज्ञान परोक्ष। तो इसी तरह से दर्शन में भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये क्षायोपशमिक है, केवल दर्शन क्षायिक है। इस तरह से 18 भेद इसके, और मोहनीय कर्म को लेकर के भी और अंतराय कर्म को लेकर के भी किए जाते हैं। औदयिक भाव जो है, जो उदय में आता है हमारे, प्रकट हो जाता है, जिसे गति है, मनुष्य गति मिली हमको, और मनुष्य गति से संबंधित और चीजें भी इसके साथ आ सकती है,
तो मनुष्य गति औदयिक भाव हमारे उदय में मनुष्य हुआ, मनुष्य बन गए हम, ये कर्म उदय में आया था। कषाय भी औदयिक भाव है, उदय से आते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं कषाय क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय जब उदय में आते हैं तो इस समय सावधानी की जरूरत है, यही बिगाड़ करते हैं ज्यादा मनुष्य का। ये भी भाव आत्म परिणति रूपी है औदयिक भाव, लेकिन इनको हम आत्म परिणति को हम बदल सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। कुछ आत्म परिणति इस प्रकार की जो विकारी भाव के रूप में है, विभाव जिनको कह दिया जाता है, और कुछ आत्म परिणति है जो स्वभाव रूप है। दोनों ही आत्म परिणति है, वो कर्मबद्ध होने से, कर्म के साथ आत्मा के जुड़े होने से ये परिणतियां होती हैं, कषाय की परिणति होती है। अब कषाय में क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, और इनके भेद भी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन, ये सब भेद भी उनके आ जाते हैं। वो तो उसके कई स्तर हो सकते हैं, पर मोटे रूप में चार बता दिए हैं, अनंतानुबंधी आदि। तो इस तरह से जो वासना है, तीन लिंग जो है, तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी उसी तरह से औदयिक भाव है। छह लेशाएं भी औदयिक भाव है। अज्ञान, जो ज्ञानावरण कर्म के कारण से हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो अज्ञान भी औदयिक भाव है। मिथ्यात्व भी औदयिक भाव है। इस तरह से औदयिक भाव की चर्चा की जाती है। असिद्धत्व भी औदयिक भाव है। सिद्ध जब तक नहीं बने हैं तब तक औदयिक भाव है। तो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान असंयत, असंयत होना भी यानी संयम को धारण नहीं करना भी औदयिक भाव है। और लेशा, ये जो है छह लेशा, इस तरह से ये औदयिक भाव माने गए हैं। तो ये भी हमारे आत्म परिणति ही है, यानी जो भी हमारे में अच्छा या बुरा आत्मा में परिणत हो रहा है वो सब भाव ही है। उन भावों को सुधारने की इसलिए जरूरत है कि जो अशुभ भाव है उनको सुधारने की आवश्यकता है, उसी से हम दुखी होते हैं इसलिए सुधारने की जरूरत है, उसी से हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं इसलिए सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात, हम हमारी तो हानि करते ही हैं और जगत में दूसरे जीवों की भी हानि करते रहते हैं, इसलिए भी भावों को सुधारने की आवश्यकता है और मुक्ति का साधन भी बनता है। तो हम इसको जगत में दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं और दूसरों का कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए भी भावों को सुधारने की जरूरत है। दूसरों के साथ रहने के लिए भी, दूसरों का कल्याण करने के लिए भी, और आत्मा का कल्याण करने के लिए भावों को सुधारने की जरूरत है। इसलिए भाव विशुद्धि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए, और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनको तो भाव विशुद्धि करने की जरूरत है ही है, और इसी पर कुंदकुंदाचार्य ने बहुत बल दिया है भाव पाहुड़ में। वो जब भाव पाहुड़ में भाव का महत्व समझाते हैं तब कहते हैं, देहादि संग रही हो मान कसाय हिम सैल परिचत्तो अप्पा अपम्मी रहो सभावलिंगी हवे साहु। भावलिंगी साधु कौन होता है? द्रव्यलिंगी तो हम जानते हैं, पर भावलिंगी साधु की परिभाषा दे रहे हैं कि भावलिंगी साधु कौन होता है, कि देह आदि की आसक्ति से जो रहित हो गया है, देहादि संग रही हो, देह आदि आदि में धन संपत्ति आदि भी आ जाएंगे, पुत्र पौत्र आदि भी आ जाएंगे, तो देहादि जिनसे हम संग करते हैं, जिनके प्रति आसक्ति करते हैं, उनसे जो रहित हो जाता है, और मान कषाय मान आदि कषायों से जो रहित हो जाता है यानी उनसे थोड़ा नियंत्रित कर लेता है, सैल परिचित्तो सबका त्याग कर देता है, अप्पा अपम्मी रहो आत्मा अपने में ही रमण करता है, सब भावलिंगी हवे साधु, वह साधु भावलिंगी होता है। और वो क्या समझता है? वो समझता है भाव लिंगी बनने के लिए और भाव साधना करने के लिए एक सूत्र देते हैं आचार्य कुंदकुंद। क्या सूत्र देते हैं? एगो मे सासो अप एगो मे ससदो अप्पा नाण दंसन लक्षणो सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एगो मे ससदो अप्पा, एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है, आत्म तत्व ही शाश्वत है। वो कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, ऐसा आत्मा ही मेरा शाश्वत है। से सामे बाहिरा भावा, और सारे जो भाव है वो बाहरी भाव है, बाह्य है, सारे पदार्थ बाह्य है, या भाव का अर्थ पदार्थ भी ले सकते, सारे पदार्थ भाव रूप, सारे पदार्थ बाह्य है। से सामे बाहिरा भावा,
सब्वे संयोग लक्षणा, वो संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे स्वरूप नहीं है वो, उनका तो संयोग हो गया है, संयोग के साथ वियोग भी होगा, वो तो संयोग अनित्य है तो वियोग निश्चित है, वियोग होना ही है। तो जिसका वियोग होना है वो सब बाह्य भाव है, बाह्य पदार्थ है, केवल एक आत्मा ही मेरा शाश्वत तत्व है, इसलिए मुझे आत्मा में ही रमण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से भावों की बड़ी ही महत्ता आचार्य कुंदकुंद ने बताई है। अब भावों की विशुद्धि हम कैसे कर सकते हैं? तो भावों की विशुद्धि के लिए पहला उपाय तो यह है कि सम्यक दर्शन हो, दृष्टि सही हो, और दृष्टि सही हो तो फिर दृष्टि सही होने के साथ हम उसका जब जब भी हम ध्यान की साधना में बैठें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय भी उपाय है, दृष्टि ठीक करें ज्ञान ठीक हो जाएगा, फिर हम स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करने से हमारा जो ये चित्त जो है, या कहें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सुधरेगी, पावन बनेगी, तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करने में समर्थ बनेंगे, आत्मा में रमण करने लगेंगे, इनको प्रभाव समझने लगेंगे, प्रभाव समझेंगे तो छोड़ने की बात करेंगे, दोष समझेंगे इनको कमी रूप समझेंगे तो उनको त्यागने की बात सोचेंगे, तो त्यागने की बात तब मन में आएगी, चित्त में आएगी, तब हम उनका त्याग कर सकते हैं। इसी तरह से जो धर्म है, धर्म धर्म के 10 भेद ही कर दो आप, धर्म के 10 भेद हमारी भाव विशुद्धि के ही हेतु हैं, चाहे क्षमा हो, उत्तम क्षमा हो, मार्दव हो, आर्जव हो, शौच हो, सत्य हो, संयम हो, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सभी जो है आत्मा के भावों की विशुद्धि करने में सहायक है। इसलिए दशवे कालिक सूत्र में कहा गया जो श्वेतांबर आगम है कि धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तपो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वो उत्कृष्ट मंगल इसलिए कि वो पापों का विनाशक है, अशुभ भावों को शुभ भावों में बदलने में भी सहायक है, इसलिए वो उत्कृष्ट मंगल है, और वो अहिंसा संयम और तप रूप है, संक्षेप में बता दिया, अहिंसा संयम और तप रूप बता दिया, उसी का विस्तार 10 धर्मों में कर देते हैं, जैसा कि कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहा है, वो वस्तु को स्वभाव भी धर्म कहते हैं, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, खमादि भावो जो 10 प्रकार का है, और रयणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय भी धर्म है, और जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। इस तरह से धर्म का जो स्वरूप बताया है वो सारा ही भाव विशुद्धि करने में सहायक है, और जो पारिणामिक भाव है वो तो जीव के साथ सदा ही रहता है, जीवत्व सदा ही रहता का मतलब है कि जीव में जीवत्व रहता, लेकिन भव्यत्व अभव्यत्व, जो भव्यत्व उसमें भव्यत्व रहेगा, अभव्य उसमें अभव्यत्व रहेगा, अस्तित्व आदि भी भाव माने गए हैं, लेकिन मुख्य भाव ये बताए गए हैं, आदि से और भी कई भाव हो सकते हैं, पर जीव जीव रूप में रहेगा, अजीव अजीव रूप में रहेगा, भव्य भव्य रूप में रहेगा, जो मोक्ष के जा सकता है, और जो अभव्य अभव्य, ये पारिणामिक भाव है। तो हमको सुधारने की जरूरत तो औदयिक भावों को है, शायद समीक भाव तो उपयोगी बनते हैं शायिक भाव बनाने में, या हम शायिक तक पहुंची किसके लिए उपयोगी बनते हैं, तो हम हमारे परिणामों को अशुभ से शुभ में बदलें, इसके लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो इसमें स्वाध्याय है और सम्यक दृष्टिकोण है, अपना आत्मनिरीक्षण है, ये तो उपाय है, पर सत्संगति, गुरुजनों की मुनिजनों की सत्संगति, जहां हमसे ज्ञान सच्चा ज्ञान मिलता है, उनकी सन्निधि में बैठना, जिसको कहा गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। गुरु की उपासना कैसे की जाती है कि गुरु के पास बैठें तो मन से शांत होकर के बैठें और वचन से उनकी बात को स्वीकार करें जो सही लगे उसको, और काया से स्थिर होकर के बैठें तो गुरु की उपासना हो जाएगी। तो गुरु की उपासना से भी और स्वाध्याय से भी या जो है चिंतन मनन से भी हम अपने भावों की विशुद्धि कर सकते हैं, और एक पापों को हम त्याज्य समझें, उनके प्रति जुगुप्सा भाव पापों के प्रति, तो हम भाव विशुद्धि कर सकते हैं। इसके लिए आचार्य हरिभद्र स्वामी जो श्वेतांबर आचार्य हुए, उन्होंने इस तरह के उपाय कुछ बताए हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परिणामों का हम निरीक्षण करें, जैसा मैंने पहले कहा उस तरह से।
और तीर्थंकरों की स्तुति भी इसमें सहायक बनती है। अगर हम उनकी गुणात्मक स्तुति करते हैं कि देखो उनमें कितने गुण हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदन कर रहा हूं, तो ऐसे ही उनके गुणों का जब हम स्तुति गान करते हैं कि उनमें कितने गुण हैं, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बलवीर्य उनमें है अरिहंतो में, तो उनमें जब प्रकट हुए हैं तो मेरे में भी तो प्रकट हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। वो देखिए कितने निष्प्रिय जीवन जिया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया, जिनके पीछे आज दुनिया भाग रही है, जिनका संग्रह करने में लगी हुई है, उन्होंने सब छोड़ दिया, तो उनका चिंतन करते करते भी भाव विशुद्धि हो सकती है। इसी तरह से जो भावनाएं हमारे 12 भावनाएं हैं, 12 भावनाएं भी हमारे भावों को शुद्ध करने में काम आ सकती है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना आदि, इन भावनाओं का हम जितना चिंतन करेंगे उतना ही हम अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से भाव विशुद्धि जो है करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा, आज चूंकि तीसरा दिन दश लक्षण का आर्जव धर्म के रूप में मनाया जाता है, थोड़ी चर्चा उसकी कर लेते हैं। आर्जव धर्म की, आर्जव कहते हैं ऋजुता, सरलता, ऋजोह भावम आर्जवम, ऋजु यानी सरलता, सरल, तो आर्जव कहते हैं सरलता, भीतर से सरलता होना, कुटिलता का त्याग हो जाना, कुटिलता का चला जाना आर्जव है, कोई कुटिल व्यवहार नहीं हो, और कुटिल व्यवहार का मतलब है माया, माया भी व्यवहार नहीं हो, या यूं कह सकते हैं कि माया कषाय का विजय हम आर्जव भाव से कर सकते हैं, माया कषाय पर विजय पानी हो तो आर्जव भाव से कर सकते हैं, वो प्रारंभ में जितना आर्जव होगा फिर पूरा पूरा आर्जव तो माया कषाय का नाश होने पर प्रकट हो जाएगा। तो आर्जव जो है माणम मद्दवया जिने मायम चज्जव भावेण, आर्जव भाव से माया को जीता जा सकता है, सरलता से माया को जीता जा सकता है, सरलता को अपनाया जाए तो माया चली जाएगी। ये माया क्यों त्याज्य है? इसलिए एक तो कारण है कि माया मित्राणी नाशे, माया मित्रता का नाश कर देती है, माया के कारण हमारा कोई मित्र नहीं बनता, क्योंकि माया जो है वो छल छद्म करती है, माया के कारण से हम सबके साथ मित्रता का व्यवहार नहीं कर पाते सच में, क्योंकि मित्रता तो क्या होती है कि पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कि जो पाप से हमको हटाए, पाप प्रवृत्ति से दूर करे और हित प्रवृत्ति में जो लगाता है, और गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, हमारी जो गुप्त बातें हैं, गोपनीय कोई बात हो तो उसको छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है, यानी हमारा हित चाहता है वो। यहां मैं निंदा प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ध्यान रखता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, उस इफेक्ट को ध्यान में रख करके वो बात कहता है। अगर उसको सुधारना है तो उसकी कमियों का व्याख्यान वो उससे अकेले में कर सकता है, उसका कथन अलग अलग से कर सकता है, सबके सामने कथन करने से इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता। आपद्गतम च न जहाति, मित्र अगर आपत्ति में आता है तो छोड़कर नहीं जाता, उसका सहयोग करता, इसको संमित्र कहते हैं। तो ऐसे मित्र तभी बन सकते हैं जब कपट नहीं होगा, हित का भाव होगा, सरलता होगी। तो अहित से जो निषेध करता है, अहितात प्रतिषेधस्त हितेचानु प्रवर्तनम, अहित से जो रोकता है, हित में लगाता है, वो मित्र होता है। तो मित्र ऐसा बनने के लिए ऋजु होना, और या कहें कि उसके प्रति हमारा ऋजुता का व्यवहार होना आवश्यक है, सरल व्यवहार होना आवश्यक है। अगर उसके साथ कुटिलता का व्यवहार होगा तो वो एक दिन सामने आ जाएगा और समझ जाएगा कि ये मेरा ठीक मित्र नहीं, मुझे ठगने वाला है। आज की दुनिया में ऐसे सरल चित्त लोगों का मिलना कठिन हो गया है, इसलिए धर्म चित्त में टिकता नहीं है। कहा गया धम्मो शुद्धस्य चित्तैः, धर्म वहां ठहरता है जहां शुद्धता हो चित्त में, निर्मलता हो चित्त में, सरलता हो चित्त में, वहां धर्म ठहरता है, नहीं तो धर्म भी वहां नहीं ठहरता है। तो धर्म शुद्ध चित्त में ठहरता है। आज अगर हम युग पर दृष्टिपात करें तो
मायाचार बहुत फैल रहा है, ठगाई खूब हो रही है, और साइबर क्राइम को हम यही कहेंगे माया भी जाल है, साइबर क्राइम। प्रलोभन देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा हो रहे हैं, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आपको इतने रुपयों की इनाम मिलने वाली है, आप जरा इसमें क्लिक कर दीजिएगा, और जिसने क्लिक कर दिया वो ठगा गया। तो इस तरह से प्रलोभन दे करके मायाचार किया जा रहा है, और देश विदेश में सर्वत्र ये हो रहा है। बड़ा सरल तरीका हो गया चोरी करने का माया के कारण से, ये धंधे हो गए हैं माया के कारण से। सरल रीति से, बड़ा ही आसानी से दूसरों का पैसा अपने खाते में आ जाता है, बड़े स्तर पर ठगाई हो रही है। साइबर क्राइम माया का ही रूप है। मायाचार क्या है? अगर कोई मछली पकड़ने वाला मछुआरा जाल फैलाता है, यद्यपि उसका धंधा है, पर वो धंधा इसी तरह का है जिसमें हम उसको प्रलोभन देते हैं, यानी मछुआरा उसको प्रलोभन देता है, जो जाल बिछाता है उसमें उसके लिए खाने के लिए कुछ डाल देता है, आहार डाल देता है, मछलियां उसमें आ जाती हैं खाने के प्रलोभन से, और फिर वो उसी में बंद हो जाती हैं जाल में, और उनको पकड़ लाता है। तो प्रलोभन के कारण से प्रलोभन दिया जा रहा है, जैसे कोई उनको खिलाने जा रहे हैं, खिलाने नहीं जा रहा है, पर उनको ऐसा लगता है मछलियों को तो खिलाने आया है। ऐसे ही जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो भी ठगने के लिए आ रहे हैं, वो कोई देने नहीं आ रहे हैं, उनके मन में देने का कोई भाव नहीं है, दिखाते मात्र हैं, देखो मैं आपको देने के लिए आया हूं, पर ठग लेते हैं। ये मायाचार है, दूसरों को कैसे ठगना, ये माया बुद्धि से होता है, माया से होता है। माया शब्द के का प्रयोग जो है भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार से हुआ है। एक हुआ है वेदांत दर्शन में, ब्रह्म जो है उसको परम सत माना गया है, ब्रह्म ही सत है, और माया के कारण से सृष्टि की रचना होती है, माया को अज्ञान रूप माना है। और एक माया को हम कह सकते हैं प्रपंच का कारण है माया, उस रूप में भी माना गया है, माया से प्रपंच होता है, ये संसार का विस्तार होता है, हमारी भी ये माया है। हम जो धन आदि कमाते हैं, संपत्ति, इनको भी लोग माया कहते हैं, माया राख हो जासी, हमारे कवि जैन कवि कहते हैं ये काया राख दार से काची, माया राख हो जासी, एक दिन राख हो जासी, ये काया एक दिन राख हो जाएगी, ऐसी माया भी चली जाएगी। तो माया, ये जो हम इतना इकट्ठा किया वो सब हमारी माया है, प्रपंच है हमारा, ये प्रपंच भी माया है। तो माया शब्द का अर्थ ये प्रपंच के रूप में भी है, अज्ञान के रूप में भी है, प्रमाद के रूप में भी है, और माया छल कपट के रूप में भी है। लेकिन जो कषाय है वो छल कपट के रूप में, जो हमारी हमारी चाल होती है भीतर से, वो माया है। हम अपने को भी धोखा देते हैं, वो भी माया है, क्योंकि अपना कषाय अपने को ही तो उलझाएगा, तो अपना कषाय अपने को भी धोखा देता है, अपने को अपने से ज्यादा मूल्यांकन करवा देता है कभी, और अपने दोषों को देखने नहीं देता है माया, अपने को उलझा देता, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पॉजिटिविटी अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई भी सामने रहनी चाहिए। ये माया क्या करती है, मेरे में अगर शक्ति है, सामर्थ्य है कि मैं तपस्या कर सकता हूँ, बेला तेला चोला पचोला कर सकता हूँ, पर मैं उस शक्ति को छिपाता हूँ और सामने प्रकट नहीं करता, करना भी नहीं चाहता, तो मायाचार मायाचार है। यानी धर्म को आचरण में ला सकता हूं पर लाता नहीं हूं, ये प्रमाद भी है और माया भी है। अपने को धोखा देता हूं, अपनी योग्यता की ठीक पहचान नहीं करता हूं, या मैंने तपस्या नहीं की है पर पास वाले साधु ने की है, कोई पूछा महाराज आपने की तपस्या, हाँ मैंने की, यही समझो मैंने की नहीं, यही समझो मैंने की, तो वो श्रेय लेना चाहता है। तो माया से बिना काम किए भी लोग श्रेय लेना चाहते, यही नहीं, मायाचार तो संतों या महात्माओं ने भी खूब किए हैं, कर रहे हैं, और भारत में तो खूब हुआ है, और अन्यत्र भी होता होगा। कई संत महात्मा, मैं जैन संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई संत महात्मा बड़ा अच्छा उपदेश देते रहे हैं, बहुत उनके लोगों की भीड़ उनके पहुंचती रही है, और लेकिन वो उसके बहाने धन संपत्ति को इकट्ठे करने की, व्यभिचार करने की,
ये सब करने की वो सब रचना कर देते हैं, व्यू रचना, इस तरह का मायाचार वहां होता रहा है। पकड़े भी गए हैं, जेल में बंद हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं, ये मायाचार है कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जा सकता है। ये विद्या सीख लेता वो मायाचार में उलझ जाता है। खुद ने तो लक्ष्य कोई शुद्धि का बनाया नहीं है, लेकिन दूसरों को कैसे उलझाया जा सकता है इसका मनोविज्ञान जान करके वो माया में दूसरों को फंसाते रहते हैं। वो छोटे लेवल पर भी हो रहा है, वो बड़े लेवल पर भी हो रहा है, ये तो हमको दिखता है, पर भीतर में जो हमारे माया चलती है वो हमको पता भी नहीं चलती कि माया में हम क्या करते हैं। देखो, क्रोध पकड़ में आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, थोड़ा वो भी समझ में आता है, द्वेष भी समझ में आता है, मान भी कभी कभी समझ में आ जाता है, लेकिन माया समझने में बड़ी कठिन आई है। जो धंधा ही कर लेता उसको तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो धंधा नहीं करता उसको माया कषाय कैसे, क्योंकि माया कषाय प्रकट होती है पर हम रोज रोज कैसे माया का आचरण कर लेते हैं हमको पता नहीं। उसको देखना तब संभव होगा जब हम भाव विशुद्धि की ओर गमन करें, तो हमको वो भाव भी नजर आएगा, माया भाव, कि हमारा माया कषाय कैसा, क्योंकि कषाय भी तो एक भाव है ना, अभी जो औदिक भाव में उसको बताया है। तो शुभ भाव यानी कि जो क्षायिक भाव है वो शुद्ध भी कह सकते हैं, क्षायिक भाव शुद्ध भाव है, बाकी के शुभ हैं, औपशमिक भाव शुभ है, क्षायोपशमिक भाव शुभ है, क्षायिक भाव शुद्ध है, औदिक भाव अशुभ है, अशुद्ध भी है, पारणायिक भाव में हम शुद्ध शुद्ध में नहीं जाते, वो तो है जैसा है। तो इन भावों की शुद्धि करने की बात होने के साथ हम माया की बात हम जब कर रहे हैं, तो माया में, माया भी चूंकि कषाय है, तो माया में ये कहा जाता है कि मन वचन और काया इन तीनों में परस्पर एक रूपता नहीं होती। माया में ऐसा होता है, एक रूपता नहीं होती है। कहता यथा चित्तम तथा वाचो, जैसा चित्त में हो वैसी वाणी में होता है, यथा वाचस तथा क्रिया, और जैसा वाणी में होता है वैसे क्रिया में यानी कर्म में होता है, कार्य करता है। धन्यास्ते त्रितये तेषां येषां, वो धन्य है जिनके ये विसंवादो न विद्यते, इन तीनों में किसी प्रकार का विसंवाद नहीं होता, यानी किसी प्रकार की इनमें असंगति पैदा नहीं होती, वो धन्य है। तो मन वचन कर्म, काया की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म यानी कार्य की, मन वचन और कार्य में जिनके कहीं भेद नहीं दिखता वो माया का आचरण नहीं करते। लेकिन ये जो कथन है ये कथन मुनिजनों के लिए है, या जो सत्कर्म कर रहे हैं उनके लिए है। पापी लोग अगर मन में भी पाप रखते हैं, वचन भी पाप का कहते हैं, कर्म भी पाप का करते हैं, तो वो कोई हम उसको अमाई नहीं कहेंगे, माया रहित नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें अज्ञान है, अज्ञान के वशीभूत कर रहा है, अज्ञान के वशीभूत वैसा कर रहा है वो दुष्ट प्रकृति का तो हो सकता है, अमाई नहीं हो सकता। यहां माया जो है, जो ज्ञान जिनको हो गया है, देखो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी माया कषाय तो शेष रहता है। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंतानुबंधी माया कषाय चला गया, चारों कषाय अनंतानुबंधी चले जाते हैं, लेकिन बाकी कषाय जो मान माया कषाय है वो थोड़ा थोड़ा, तो जो अप्रत्यक्षानावरण है, प्रत्यक्षानावरण वो तो बना रहता है। अप्रत्यक्षानावरण जब तक श्रावक नहीं बनता तब तक रहता है, प्रत्यक्षानावरण जब तक साधु नहीं बनता तब तक रहता है, वो भी मूल्यांकन करने पर पता चलेगा। जैसे भावलिंग की बात करें, भावलिंगी होने पर नहीं रहता है, द्रव्यलिंगी होने पर रह सकता है। तो भावलिंगी अगर हो जाएगा, भाव साधना करेगा, तब नहीं रहेगा। तो ऐसा माया का आचरण नौवें गुणस्थान तक रहता है, नौवें गुणस्थान के बाद चला जाता है। तो नौवें गुणस्थान तक तो माया का शाय मौजूद है, और सत्ता में तो ग्यारहवें गुणस्थान में भी रहता है। तो ऐसा माया का शाय कैसे एक अप्रमत्त साधु को भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम कैसे हो सकता है कि वो किस स्तर पर माया कर सकते हैं। माया का कि जैसे अपने कोई धोखा देना कि भी मुझे ये त्याज्य समझ रहा है, फिर भी अपना लेकर एक बार तू कर ले ऐसा, तो माया क्या है, सत्य को ढक देती है, सच्चाई को ढकने का काम करती है माया। माया क्या करती है, इसको पर्दा ले आती है। वेदों में ये कहा है माया भी पुरुरूप ही थे, माया के कारण से वो अनेक रूपों को धारण कर लेता है, था तो एक पर अनेक रूपों को धारण कर लेता है माया से, जिसे व्यक्ति शरीर धारण किया जाता है वैसे माया के कारण अनेक रूपों को धारण कर लेता है।
तो ऐसे ही माया भी जो व्यक्ति होता है, सच्चाई क्या है उस पर आवरण ले आता है, माया सच्चाई को ढक देती है, सत्य को प्रकट नहीं होने देती, और अपने को धोखा देती है, दूसरों को धोखा देती है। और माया एक शल्य भी है, कषाय है, लेकिन उसको शल्य भी कहा है। तीन शल्य बताए गए हैं जैन दर्शन में, माया मिथ्या निदान, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, तीन शल्य होते हैं, कांटे की तरह होते हैं। तो माया कषाय भी एक शल्य है, क्योंकि वह ऐसा शल्य है जो आसानी से निकलता नहीं है, मायावी आचरण बना रहता है व्यक्ति का दूसरों को फुसलाने के लिए। जैन समाज में भी ऐसा हो रहा है, कई जैन समाज की लड़कियों को फुसलाया जाता है माया का आचरण करके दूसरे जातियों के लोगों के द्वारा, और वो चंगुल में फंस जाती है, फिर बाद में पछतावा भले ही होता रहे कि मैं कहाँ चंगुल में, क्योंकि पहले जब जितना आकर्षण दिया जाता है बाद में वैसा कुछ मिलता नहीं है। ये प्रारंभिक आकर्षण लोगों को फंसा सकता है, दूसरा मायावी व्यक्ति दूसरों को धोखा दे सकता है, पर वह अशुद्धि की दृष्टि से स्वयं को भी धोखा देता है, क्योंकि बुराई जो है पहले स्वयं में आती है, तब दूसरों को उसका उससे प्रभावित करता है, दूसरों को भी वो दोषी बनाने की कोशिश करता है, या दोष के कारण दूसरों पर वह उस दोष को ढोलता है, या दूसरों पर आक्रमण करता है, उस दोष बुराई को फैलाता है। तो माया जो है वो कांटे की तरह भी है, और एक माया जो है वो तिर्यंचयोनि में जाने का कारण बनती है, माया तैरगयोनस्य प्रमुख कारण है, तिर्यंचयोनि में जाने का, तिर्यंचयोनि में जन्म लेने का प्रमुख कारण बनता माया। तो जो मायावी आचरण करता है वो तिर्यंच बनता है अगले भव में, इसलिए माया का आचरण त्याज्य है, ऋजुता को अपनाने की जरूरत है। जितनी माया हम त्याज्य करेंगे आर्जोगुण बढ़ता रहेगा, रिजुता बढ़ती रहेगी, और रिजुता का मतलब, रिजुता सरल चित्त होता है, किसी को कोई ठगने की बात ही नहीं है, सच्चाई के आधार पर चलता है, धोखा देने की बात ही नहीं, जो सच्चाई के आधार पर चलता है वही रिजु और आर्जव हो सकता है। जो ज्यादा लोभ में जीता है वो रिजु नहीं हो सकता, लोभी व्यक्ति मानी व्यक्ति मायावी आचरण करते हैं, अभिमानी भी मायावी आचरण कर सकता है और लोभी व्यक्ति भी मायावी आचरण कर सकता है। इसलिए माया अन्य कषायों के साथ में भी जुड़ी हुई है। माया का नाश करके ही कोई अपने को निर्मल बना सकता है। मल्लीनाथ की मैंने एक बार कथा सुनाई थी कि उन्होंने माया की थी, क्या माया की थी, पूर्व भव में कि तपस्या करते समय उन्होंने अपने मित्रों के साथ तपस्या कर रहे थे, लेकिन अपने मित्रों से उनको छिपा करके मायावी तरीके से अधिक तपस्या कर ली। तो श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है कि इसके कारण से उनको स्त्री की देह धारण करनी पड़ी, ऐसी मान्यता वहां पर है, ऐसा इतिहास में और ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो माया का आचरण तो हर स्तर पर भोगना पड़ता है, सभी कषायों का भोगना पड़ता है, उसका भी भोगना पड़ता है। एक भाव विशुद्धि की बात मैं आपको कहूं, सरल चित्त की बात कहूं, एक पूर्गडू मुनि का की कथा आती है। पूर्गडू मुनि नाम था उनका, बाल्य अवस्था में मुनि बन गए और संयम का पालन ठीक करते थे, लेकिन वो भूखे रहना उनके वश में नहीं था, भूख उनको लगती थी, तो वो रोज ही कुछ न कुछ खाते थे। एक बार क्या हुआ, पर्व का दिन था, संभव तो हो सकता है परुषण पर्व ही हो, उपवास का दिन हो, उस दिन को भूख लगी और वो अपने गुरु से पूछ करके और आहार लेने चले गए। आहार रूखा सूखा जो भी मिला, क्योंकि उस दिन पर्व के दिन सबने उपवास कर रखा था, सूखा लुखार लेकर के आए। अब देखिए सरल तो है, वो सरल चित्त तो है, लेकर के आ गए, गुरु को दिखाया, गुरु ने देखा कि आज भी शिष्य लेकर के आ गया, उस पर थूक दिया गुरु ने, थूक दिया उसको, उन्होंने क्या समझा
दो बातें उनके चित्त में आई, एक तो कि मैंने गुरु की सेवा नहीं की, देखो इसमें थूकना पड़ गया, गुरु को मैं पात्र लेकर नहीं गया, दूसरा अरे गुरु ने तो इसमें घी बहरा दिया है, घी डाल दिया है और उसको घी समझ करके खा गए। चिंतन करने लगे कि मैं कितना कितना मैं निकृष्ट हूं कि पर्व के दिन भी आहार कर रहा हूं। ये श्वेतांबर परंपरा में वहां लाकर के आहार किया जाता है, उससे संबंधित कहानी है। तो मैं इस दिन भी आहार लेकर के आ रहा हूं और आहार कर रहा हूं, कितना कमजोरी हुई। और चिंतन मनन चलने लगा और करते 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 उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से चित्त की जो सरलता होती है वो केवल ज्ञान तक पहुंचा देती है। केवल ज्ञान भाव विशुद्धि से ही संभव है। हमारे उत्कृष्ट भाव जितने होंगे उतने ही हम अपने को पावन बना सकेंगे और मुक्ति के पथ पर जा सकेंगे। इसी के साथ ये आज का हम विराम लेते हैं और मायावी जीवन से रहित होने का हम संकल्प लें, उसमें आगे बढ़ें और किसी को धोखा न दें और धोखा खाएं भी नहीं, उसमें भी सावधान रहें। सरल चित्त होने का अर्थ ये नहीं कि कोई भी धोखा दे तो हम धोखे में आ जाएं। धोखे में आना नहीं और धोखा देना भी नहीं। इतना ज्ञान तो हमको हो कि कोई हमको धोखा ना दे। और धोखा कब देता है, जब हम लोभ में आते हैं, तो लोभ को छोड़ दो, धोखा नहीं होगा। ज्ञान पूर्वक काम करो, ध्यान पूर्वक काम करो तो लोभ धोखा नहीं होगा। आज जो धोखा दिया जा रहा है वो लोभ के वशीभूत दिया जा रहा है। हम कहाँ आकर्षित होते हैं उसको देख लेते हैं और फिर धोखे में डाल देते हैं। इसी के साथ विराम लेते हैं और समय हो गया है, ज्यादा हो गया है। अगर कोई एक प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोज करेंगे। आप मंगलाचरण सुना दीजिए, बोलना अथवा चाहिए। गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुख शरणा और अन्य शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। धन्यवाद। धन्यवाद। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ओके।